लोग यंग दिखने के लिए कई तरह के पैंतर आजमाते हैं। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। कोई नेचुरल तरीके से खुद को फिट रखना चाहता है, खाने पीने में परहेज, रेगुलर एक्सरसाइज या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है, तो कोई महंगे महंगे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स खरीदता है। डर्मा फिलर्स, माइक्रोडर्मेब्रेशन, बोटॉक्स इंजेक्शन लेना, केमिकल पीलिंग समेत कई तरह के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स का सहारा भी लोग लेते हैं। आपने कैलिफोर्निया के मल्टी मिलेनियर ब्रांड जॉनसन का नाम भी सुना होगा, जिनका जवां दिखने का जुनून जग जाहिर है। वे यंग दिखने के लिए करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार एंटी एजिंग को लेकर शोध कर रहे हैं, इंसानों की एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करने और उससे रिवर्स करने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में चीनी शोधकर्ताओं ने एक थेरेपी का विकास किया है, जिसके लिए उनका दावा है कि ये थेरेपी इंसानों के शरीर में बढ़ती उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकती है। एक्सपर्ट्स की टीम ने इसे हाइड्रोजन थेरेपी का नाम दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि ये स्टडी पेपर नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया है। हाइड्रोजन ही क्यों, शोध में बताया गया है कि हाइड्रोजन को सही तरीके से बॉडी में डालने पर हाइड्रोजन ह्यूमंस के लिए थेरेपी की तरह असर करता है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इस हाइड्रोजन थेरेपी से बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों को भी रोका जा सकता है। दरअसल ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हाइड्रोजन सबसे लाइट होता है, साथ ही हाइड्रोजन कोशिकाओं की उम्र ढलने की प्रक्रिया को धीमा करने और यहां तक कि एजिंग की प्रोसेस को रिवर्स करने की भी क्षमता रखता है। यहां ये भी बता दें कि शोधकर्ताओं ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस थेरेपी को विकसित किया है। कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के आम तरीकों से शरीर में प्रवेश करने की तुलना में ये प्रक्रिया 40,000 गुना ज्यादा असरदार है। इस प्रक्रिया के तहत हाइड्रोजन का प्रत्यारोपण एक हफ्ते तक बहुत ही धीमी गति से होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि ज्यादातर शोध चूहों पर किए जाते हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक चूहों पर शोध किया। नतीजे के रूप में पता चला है कि जो चूहे बूढ़े हो चुके थे उनकी हड्डियों से जुड़े विकार ठीक हो रहे थे, यानी उनमें सुधार देखा गया। साउथ चाइना पोस्ट में शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी के संवाददाता लेखक ही क्यानजुन के हवाले से बताया गया है कि ये थेरेपी बढ़ती उम्र में पेश आने वाली तमाम दिक्कतों को दूर करने में मददगार साबित हो सकती है, यहाँ तक कि अल्जाइमर का सॉल्यूशन भी बन सकती है। असल में इस पद्धति को बूढ़े लोगों में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए विकसित किया गया था। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि हाइड्रोजन थेरेपी का विकास हाइड्रोजन की एंटी एजिंग विशेषताओं की खोज पर आधारित है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।